पद्मावत की रिलीज से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है फिल्म के सितारे। एसटी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स के रेड कार्पेट के दौरान दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने अपनी खुशी कुछ यूं जताई। वेल आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड इमोशनल राइट नाउ। इट्स अ बिग बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली ओवरवेल्मिंग, एक्सट्रीमली इमोशनल। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइक आई सेड आई थिंक द फिल्म हैज बीन थ्रू सो मच। And I think on behalf of the entire film, we want to thank all of you for being so supportive through everything that we've done and everything that we've been through. And I think now it's really time for us to celebrate and, you know, see the film, I think, do wonders at the box office now. And I think the film has spoken for itself. I think, like you've seen, the reactions to the film has been... I mean, it's been absolutely phenomenal, and I think that is, in a way, the best response that we can give, you know, to anyone through the work that we do. And like I said, I think we're very, very excited about the release for tomorrow. We're extremely overwhelmed. I'm very emotional at this point, and very, very excited. And like I said, I think it's time for all of us to celebrate, and we're also looking forward to. You know, I'm not someone who's ever been excited about the box office numbers, but I have to say that this time I am because I think it's going to be earth-shattering. बहुत 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 खुशी है। इसको एक्सप्रेस करना बहुत 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 मुश्किल है। हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। फिल्म राजपूत वैलर, राजपूत ऑनर और राजपूतों के के सालों के ट्रेडिशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। उनको ग्लोरीफाई किया गया है। उनको मैंने कल फिल्म देखी, मैंने उससे पहले नहीं देखी थी। इससे ज़्यादा ग्लोरीफिकेशन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पेडेस्टल पे नहीं डाला जा सकता मेरी अंडरस्टैंडिंग में। सो आई थिंक इस बात को लोग मद्देनज़र रखें और ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देखने जाएँ। और हम बहुत खुश हैं, इतने वक्त से यही कहते आ रहे हैं कि प्लीज़ फिल्म को देखने का, अपने आप को दर्शाने का मौका दें और ऐसे प्री कंसीव नोशंस ना माने। जो लोग फिल्म देखे बिना फिल्म के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं उनकी बात ना माने, प्लीज़ फिल्म देखें। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया है कि पूरे देश में फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। सिर्फ पद्मावती के लिए नहीं, उन्होंने हर फिल्म के लिए कहा है कि बैन फिल्मों के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस बात पर मार्च में आई थिंक दे विल बी हैविंग अ सेशन इज़ वेल। सो आई थिंक पद्मावती स्टैंड्स फॉर द इंटायर फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि क्रिएटिविटी को फ्रीडम मिलना चाहिए। दे शुड बी अ सेंस ऑफ लिबरेशन व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। किसी को ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं है फिल्म देखने की, लेकिन लोगों को ना देखने के लिए भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट यू कॉल अ डेमोक्रेसी। आई थिंक द फिल्म इज़ अ रियल, इट्स एन ओमाज टू द राजपूत कल्चर एंड द राजपूत ट्रेडिशन। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू सी शाहिद essay that role and do so much justice and more to it. I mean, looking at him, watching him on screen has been such a visual treat. I really feel without any biases that he's the best thing in the film. रेड कार्पेट पर पहुंचे कई सितारों ने पद्मावत की रिलीज को लेकर काफी उत्साह जताया और कईयों ने कहा कि वो जल्द से जल्द ये फिल्म देखना चाहते हैं। तो वहीं कई सितारों ने पद्मावत को लेकर हो रहे हिंसक विरोध पर अपनी आपत्ति जताई और इस पूरे विवाद को बेमतलब और बेतुका बताया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। आई थिंक इट्स गोना बी स्पेक्टेक्युलर एंड ऑल थ्री एक्टर्स एंड संजय सर ऑफ कोर्स फ्रॉम व्हाट वी सीन इन द ट्रेलर्स एंड एवरीथिंग इट्स लुकिंग फैंटास्टिक एंड आई कैन नॉट वेट टू वॉच इट। आई थिंक सिमिलरली एवरीवन वांट्स टू वॉच इट, एवरीवन इज एक्साइटेड एंड वी आर होपिंग इट रिलीजेस एवरीवेयर सेफली। सो प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स, गो वॉच द फिल्म। We've all been really waiting to watch that film and I've heard such amazing things about the film already, so I'm actually very excited and I'm going to make sure I watch it this weekend itself. Congratulations and I hope it does well. Thank you. I'm excited to watch it. I'll go watch it in the hall as it should be watched, without fear. And I would really like to ask who's going to pay for all the damage, all the broken things today, all the
vehicles that were burned, all the public property that was damaged or private property that was damaged. We have to hold people accountable. I'm so happy that after so much of struggle, finally Padmavat is releasing. I'm so happy for Ranveer, Deepika, Shahid and Sanjay sir and the whole team at the production because they've really seen some tough times. जब हम फिल्म बनाते हैं हम सिर्फ सोचते हैं कि वो रिलीज हो जाए प्यार से और सब लोग उसको बहुत प्यार दें सो फाइनली दैट डे इज कमिंग फॉर द टीम टुमारो सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट रियली एक्साइटेड अबाउट पद्मावत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट परफॉर्मेंसेज स्पेशली बाय रणवीर सिंह शाहिद एंड दीपिका एंड आई एम गेटिंग ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर द फिल्म एंड आई एम रियली फॉरवर्ड टू द फिल्म सो आई वुड लाइक टू से दैट लाइक एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज नॉट गुड आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री is the single most powerful entity in trying to keep the world more happy, more peaceful, etc. And I wish the film all the best. I hope that it does very well and everybody is very happy about it ultimately. मैं बहुत बधाई दूंगा पद्मावती की पूरी टीम को संजय को दीपिका शाहिद रणवीर सबको बहुत बहुत उनको बधाई क्योंकि पिक्चर की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और मैं चाहूँगा कि इस तरह से जो आंदोलन चल रहा है उसको थम जाए और मैं विनंती करूँगा करणी सेना के सभी लोगों को कि इस तरह का आंदोलन ना कीजिए क्योंकि फिल्म जो है सेंसर पास कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे चुकी है मैं खुद इंदू सरकार के टाइम पे इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह फिल्म मेकर के पे गुजरती है इस तरह की चीज़ें होती है तो मैं चाहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि फिल्म अच्छी तरह रिलीज़ होने जाए और कोई इस तरह का आंदोलन इस तरह का जो तोड़फोड़ हो रहा है वो ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए This film is a labor of love and it the reports that I'm hearing are absolutely fantastic and I hope it does extremely well because and he is a great maker sir maine film dekhi nahi hai is waqt main dekhna chahunga zarur magar bas yahi kahunga all the best to Sanjay Leela Bhansali and the entire team I am dying to see the film no that's all I can say and hum ek hi fraternity ka hissa hain and I really have full support and my heart goes out to Sanjay Leela Bhansali and the cast and I really hope the film sees light of day at last and people appreciate good cinema I have expressed time and again that obviously violence is no solution to anything and an eye for an eye will only make the whole world blind I think that's the most important thing I could say I mean if I let's get some dictate and mandate on what to do or what not to do in the future from all these सेनास सो वी नो कि किस पे फिल्म बनाए किस पे नहीं बनाए ताकि प्रॉब्लम ना हो एक सर्कुलर रिलीज कर देना चाहिए इनको इंडस्ट्री को कि ये सब अलाउड है ये सब अलाउड नहीं है ऑनेस्टली आई एम सुपर एक्साइटेड व्हेन एनी संजय लीला बंसाली फिल्म रिलीजेज आई थिंक वी ऑल रियली वेट टू वॉच इट सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट्स फाइनली रिलीजिंग मुझे लगता है उनको अपना जो भी प्रोटेस्ट दिखाने थोड़े शांत तरीके से दिखाने चाहिए अगर कुछ है बिल्कुल ऐसे तो जरूरत है नहीं मैं जितने भी रिव्यूज पढ़ रही हूँ सब बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं फिल्म में मुझे लगता है प्रोटेस्ट तब होने चाहिए जब ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो जबकि है नहीं लेकिन अगर किसी को लगता है तो वेट एंड वॉच देखें और उसको शांति के साथ करें इस तरह से तोड़ फोड़ करके नहीं आई कांट वेट टू सी द फिल्म इट्स लुकिंग स्पेक्टेक्युलर It's Sanjay Bhansali and his genius work again. I'm sure. I haven't seen it. I can't wait to see it. It's looking spectacular. And Ranveer, Deepika, Shahid, they all are very good actors. And I'm waiting to see it tomorrow. I can't wait to see the movie. I'm looking forward to seeing it. बॉलीवुड सितारों की बातों से साफ है कि पद्मावत को लेकर हो रहा पूरा विवाद बेमतलब और बेतुका है और सभी को जाकर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए रवि जैन एबीपी न्यूज मुंबई ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे